हाय गाइस, यू आर ऑन स्माइल आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हमारा पांचवा लेक्चर है। इट इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आवर टैगलाइन इज वीर भोगे वसुंधरा, मीन्स दोज हु आर हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस, दे कैन अचीव एनीथिंग व्हाट एवर दे वांट इन देयर लाइफ। ओके, हम अभी पांचवा पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा पुराना रिविजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला 10 10 थीटा डॉट 10 90 माइनस थीटा इक्वल 1, ये पढ़ा है। ये पढ़ा है एंड दूसरा पढ़ा है cot थीटा डॉट cot 90 माइनस थीटा इक्वल 1, ये पढ़ा है, जिसमें इसमें जो ये एंगल का सम करोगे तो 90 आएगा। तीसरा हमने पढ़ा है साइन तीसरा हमने पढ़ा है साइन नाइन्टी माइनस थीटा सेक थीटा 1 पढ़ा है। ये सब जहां जहां भी आपने नोट किया है, इसको क्या करो, आप स्टार मारते चलो ये सब, क्योंकि जब भी आप एक खोले बराबर देख लो, ठीक है, याद मत करो, देख लो एटलीस्ट, क्योंकि इसका यूज इतना ज्यादा होगा कि आप याद हो जाएगा, याद का दिक्कत नहीं है। और cos 90 माइनस थीटा cos थीटा इक्वल 1, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, sec 90 माइनस थीटा साइन थीटा इक्वल 1 पढ़ा। आप ये यही देख सकते हो, ये जो तीसरा वाला है इसमें भी वही है, इसमें बस 90 इधर हुआ है, ये थीटा उधर हुआ है, तो इसमें भी ऐसे ही है। ऐसे आप सेम कॉस में भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कॉस वाला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डॉट कॉसेक 90 माइनस थीटा ओके इक्वल क्या हो जाएगा 1। सो ये सब चीजें हमने अभी तक और हमने ये पढ़ा, ठीक है, इतना हमने अभी तक पढ़ा है। उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, आज हमारा नया जो ये सब पढ़ा हुआ है, जब भी आप इसको देखें तो क्या करें, एक बार स्टार मार लें और एक बार पढ़ लें, ठीक है, बिकॉज जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप कहीं यूज कर पाएंगे, तो आपको याद नहीं करना, बट एक बार रीड कर ले लेना जब भी खोलेंगे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटीज, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? ये वाला फार्मूला आपको पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको भी कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करें। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे साइन थीटा थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 90 माइनस थीटा इक्वल वन हो गया। ओके, ये 90 कहाँ है, यहाँ पे 90 इंटू वन है, तो यहाँ पे ये चेंज होगा। और यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, थीटा यहाँ एक्यूट एंगल। ओके, सो ये क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ऐसा कंडीशन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन 90 माइनस थीटा होगा और ये वैल्यू वन होगा। ठीक है, इन सब का सम क्या है, 90 होना चाहिए। हो रहा है, हो रहा है। तो अब इसी बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 43 डिग्री इक्वल वन। तो पूछ रहा है ये क्या होगा। ओके, तो आपने अभी पढ़ा है कि अगर इसको इसको जैसे जोड़ोगे आप तो क्या हो जाएगा, 90 होना चाहिए। अगर 90 हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, आंसर जो होगा वन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, साइन स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 38, तो इसका क्या होगा आंसर, ए एन एस। आप ये दोनों 40 40 एंड प्लस 48 42, ये कितना आ गया, जब इसको करोगे तो ये 90 आ गया। इसका वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू वन हो जाएगा, प्लस इसमें 52 38 कितना हो जाएगा, ये इसको जब ऐड करोगे तो ये भी 90 डिग्री आ रहा है, इसका वैल्यू भी वन हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, वन प्लस वन इक्वल टू। सो आंसर क्या हो जाएगा, टू। क्वेश्चन नंबर थ्री, बिफोर गोइंग क्वेश्चन नंबर थ्री, ओके, आपको एक कौन से एक चीज बता दें इसमें, जैसे क्या अभी हम लोग क्या डिग्री में सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 41 डिग्री 45 डिग्री, सो क्या इसको हम पाई में भी प्रॉब्लम आता है, जैसे पाई का मतलब क्या होता है, 180। ओके, तो आप थोड़ा समझ लो, 180 डिग्री। ओके, वैसे मैं बता चुका हूँ शायद, बट फिर भी आप एक बार और समझ लो, पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, ये कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और जैसे पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, आप जब इसमें 2 करोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा।
ऐसे पाई के फॉर्म में भी आता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको उस इस फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेना है, जैसे पाई बाई टू हो गया, पाई बाई सिक्स हो गया, पाई बाई फोर हो गया, कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ओके, ऐसे आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, साइन स्क्वायर पाई बाई 12 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 12 कितना होगा इक्वल। ओके, तो यहाँ पे आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा सम, जो जोड़ के दिखा देते हैं, आएगा पाई बाई 2 ही आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको हम थोड़ा जोड़ के दिखाई देते हैं, पाई बाई 12 प्लस 5 पाई बाई 12 हो गया, और ये नीचे नीचे कॉमन है तो क्या हो जाएगा 6 पाई बाई 12 हो गया। ओके, तो ये 6 और ये 2 आ गया, कितना आ गया पाई बाई 2, इसका वैल्यू कितना आएगा, आंसर जो आएगा 1 आएगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए साइन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल 1 दिया है, जैसे इफ 1 दिया है और ओके, अब पूछ रहा है टेन ए टेन बी क्या आएगा, ये ऐसा है 1 है तो कब होगा 1, जब कब होगा जब ए प्लस बी 90 होगा, ए प्लस बी इक्वल 90 और पाई बाई 2 वाट एवर यू कैन राइट, और यू कैन राइट पाई बाई 2। सो अगर इन दोनों का जोड़ने पे 90 आ जाएगा, आपने पहले पढ़ा ही है, तो इन लोग का आंसर क्या होगा, 10 ए 10 बी का आंसर इज 1 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर पांचवा नंबर, जैसे 10 ए इक्वल ऑट बी, क्वेश्चन ये है एंड पूछ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होगा, ऐसा कंडीशन दिया है इफ 10 ए इक्वल कॉट बी। सो आप यहाँ फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वाला आप यहाँ देख नहीं पा रहे हो शायद, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 ए को हम ऐसे ही रहने देंगे, ओके, इसको क्या लें कॉट को हम क्या कर देंगे 1 अपॉन 10 बी कर देंगे। अब 10 ए 10 बी इक्वल 1 हो गया, ये 1 कब होगा इक्वल, जब ये दोनों का एडिशन 90 होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो क्या आ गया यहाँ से इक्वेशन, इक्वेशन ये आ गया यहाँ से ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री और यू कैन से राइट पाई बाई 2। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ओके, तो ए प्लस बी का क्या आ रहा है सर 90 डिग्री आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ए एन यस आंसर इज 1। ओके,
क्वेश्चन यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, अब ये डॉट 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 डॉट, फिर ये प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री पे है, ठीक है। ये साइन 89 तक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आंसर पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा पूछ रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है पहले, तो यहाँ पे 89 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 1 डिग्री को हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 89 डिग्री से ये दोनों का क्या हो गया, जोड़ दोगे तो 90 डिग्री आ रहा है और पाई बाई टू आ रहा है, पाई बाई टू इसका मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ओके, सो हम ऐसे इसमें कितने कितने हैं जिसको हमें जोड़ना है, 89 को हम हाफ कर देंगे, पहले 89 को हाफ हाफ कर देंगे, 2 4 8 एंड 2 4 8 प्लस 1 है, तो इतना तो वो हो जाएगा, और जो सबसे बीच में कौन सा बच रहा है, साइन 45 डिग्री। ओके, और यहाँ पे ये हो जा रहा है 40, क्योंकि 44 है तो 44 आ गया आंसर, क्योंकि सबका एक एक नंबर आएगा तो ये टोटल हाफ में 44 आ जाएगा, प्लस साइन 45 कितना होता है, ये होता है 1/√2 हो गया, कितना आ गया 44√2 प्लस 1/√2। ओके, सो ये आंसर आ गया इसका, ANS आंसर। सो आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, इधर एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 83 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 46 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 44 डिग्री, सॉरी डिग्री पूछ रहा है क्या आंसर आएगा। अब इन दोनों का अगर आप जो सॉरी इन दोनों को जो दो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जा रहा है, और पाई बाई टू कर सकते हैं, तो ये इसका वैल्यू आ गया 1। ओके, अब इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस को पहले बाहर कर लेते हैं इसको, ओहो इसको माइनस को बाहर कर लेते हैं और इसको पॉजिटिव कर दीजिए, माइनस बाहर आ गया साइन, अब इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बाहर है और 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। आंसर क्या आ गया, 0। ओके, क्योंकि 1 1 माइनस हो गया। इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा इक्वल 1 हो गया, 1 होगा तभी होगा जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो 4 थीटा हो गया इधर, 4 थीटा इक्वल 90 डिग्री हो गया, और थीटा इक्वल क्या हो जाएगा,
कितना हो गया यहाँ पे, थीटा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, 90 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 × 8 हो गया, पूरा कटेगा नहीं, ओके, तो 45 °2 आ जाएगा, ओके। ये आ जाएगा और क्वेश्चन साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो ये क्या हो जाएगा। वैसे तो हम इसको भी इधर ले जाके इसको माइनस कर सकते हैं, बट ऐसे ही हम करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये डायरेक्ट ही इसका थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो हमने उसको बट पूछा है यहाँ पे क्या, कॉस थीटा का वैल्यू पूछा, ओके। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो इसका 90 डिग्री हो गया, तो पूछा है इसका वैल्यू क्या है, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा इक्वल 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, तो थीटा इधर आ गया, ये भी पाई बाई 2 इसको लिख देते हैं, क्योंकि ये पाई के फॉर्म में है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, 4 पाई माइनस 2 पाई इक्वल 8, सो 2 पाई बाई 8 इक्वल पाई बाई 4 ही आ गया, सेम ही आ गया। जैसे एक आप ऐसे भी कर सकते थे, उसको इधर साइड भी ले जाके कर सकते, क्योंकि इसका डायरेक्ट आप वैल्यू ले लेते, तो cos 45 क्या होता है, 1 बाई cos पाई बाई 4 इक्वल 1 बाई रूट 2, ओके, आंसर क्या आ गया, 1 बाई रूट 2 आ गया। क्वेश्चन ये आ गया, और जैसे क्वेश्चन हो गया, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल 1 हो गया, ये 1 कब होगा, 90 डिग्री, तो x यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस y इक्वल 90 डिग्री और पाई बाई 2, तो अभी पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है टेन x डॉट टेन y इक्वल क्या होगा, अब इन दोनों का सम 90 होगा, तो उसका आंसर क्या है, 1 होगा, तो a n s इक्वल 1 हो जाएगा। और अब जैसे एक और क्वेश्चन, इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल 1 हो गया, तो ये कब होगा 1, जब ये दोनों का एडिशन सम या जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। अब पूछ कर रहा है साइन ए अपान कॉस बी, ओके, ये पूछ रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन ए सेक बी का सम 90 हो तो क्या होता है, साइन, आप यहाँ पुराना रिवीजन में आप देख लीजिए, यहाँ पे
साइन और सेक पे आप ऊपर एकदम देख लीजिए, ये वाला एकदम ऊपर में सेक 90 माइनस थीटा इक्वल 1 हो जाता है, इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो क्या होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आ गया, आंसर जो आ गया 1 आ गया। अब जैसे क्वेश्चन इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल 1। अब पूछा है 10 थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब पहले हमें पता होना चाहिए थीटा क्या है, ये 1 कब होगा, जब यहाँ 90 डिग्री होगा इन दोनों का सम पे, तो थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल 90 डिग्री और पाई बाई 2, तो इधर 3 थीटा हो गया, इधर 90 डिग्री हो गया, और थीटा इक्वल क्या होगा यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। 1060 क्या होता है, 1060 होता है, अगर जैसे मान ले पूछा होता 2 थीटा का वैल्यू बताओ तो क्या बताते हैं हम लोग, 30 आया है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री क्या होता है, रूट थ्री होता है, ठीक है। सो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन में आ गया साइन अल्फा इक्वल कॉस बीटा, सो पूछा है आंसर बताओ इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी बीटा इक्वल पूछ रहा है व्हाट इज द आंसर, क्या होगा आंसर, इसको आप पहले बस लिखना सीखे, ठीक है। एक बार आप समझ गए तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बस आंसर देंगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपको कुछ लिखना भी ही नहीं पड़ेगा। आप इसको देखो, ये आप पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़े हो वही है, आपको दिखाते हैं, जैसे साइन अल्फा इक्वल इसको 1/√3 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक बीटा आ जाएगा, यहाँ क्या आ जा रहा है, साइन अल्फा सेक बीटा इक्वल 1, और ये दोनों कब होगा, 90, यहाँ 1 होगा तभी ये 90 होगा, तो ये दोनों क्या है प्लस 90 हो गया, 90 दिन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। सो इसको आप आसानी से कर सकते हो, ओके। अभी जैसे हमने ये सब किया साइन वाला, वैसे इन द सेम वे आप कॉस का भी कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना कॉस वाला, ओके, नहीं होगा तो हम तो करवाएंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, इसी में मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ, वैसे ही करना है जैसे वो साइन वाला किए थे ना, तो यहाँ पे हमें कॉस के फॉर्म में करना है, तो क्या करना है, हमें कॉस में कन्वर्ट कर देना है, कॉस स्क्वायर, उसी सेम फार्मूले को हम कॉस फॉर्म में कर दे रहे हैं, 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब इन दोनों को जो थीटा को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, अगर 90 आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। इसको भी आप वही सेम आप थीटा रख करेंगे जो अभी साइन वाले ने किया, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, ओके। आज के लिए इतना ही, अभी हम अगले उसमें इसका कॉस वाला भी करेंगे डिस्कस, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। I hope you like, share and subscribe. Thank you.